संभाल लीजिए नेशनल लेवल के एसोसिएशन में, तो हम हर दफा वो सरकार का बीच में कुछ नहीं डालना चाहते। अब इसमें रही बात आपके यहाँ पे स्टेडियम की, आप सबको मालूम है इसका मसला क्या है। इसकी कंस्ट्रक्शन आप ही के किसी ठेकेदार ने सत्यानाश करवा दिया, अभी तक वो बिल्डिंग टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हुई है। उसमें हमने आप ही लोगों ने यहाँ पे शिकायतें की, उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको IIT रुड़की को रेफर किया कि आकर इस बिल्डिंग को देखो, इसकी क्वालिटी देखो, ताकि जो भी कोई केस वेस बनना है वो बनाया जाए। IIT रुड़की आज तक नहीं आई, जितने पैसे की बिल्डिंग बनी हुई उससे ज्यादा वो आप मांगना शुरू हो गए कि जी हम इतने चार्जेस लेंगे। वो आकर तो इसको चेक कर लें, उसमें बता दें उसकी जो ग्राउंड है उसके लिए हम अब बिल्डिंग को छोड़ के हम ग्राउंड की तरफ, क्योंकि ऐसा हुआ था कि सारे के सारे को इकट्ठा कर दिया गया। राइट सर। तो मैंने अब ये डिसीजन लिया है कि ग्राउंड को सेपरेट करके ग्राउंड को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया जाए। बिल्डिंग जब बनेगी नहीं बनेगी आई एम नॉट बॉदर्ड, बेसिकली आपको ग्राउंड चाहिए, बिल्डिंग नहीं चाहिए। जो जहां तक आपका ताल्लुक है इसका पुलिस अकेडमी की ग्राउंड का, बाकी वो हम चाह रहे थे क्योंकि और कोई जगह नहीं थी नजदीक में शहर के, आप आर्मी में जाते थे आर्मी से ज्यादा नजदीक ये जगह थी, तो मैं DG साहब से बात करूंगा। इनफैक्ट मेरी ही गलती थी, मैं भी थोड़ा कई साल बाहर रहा तो मैं उसको फिर परस्यू नहीं कर पाया, तो मैं उनसे बात करके DG साहब से, वो अच्छा प्रपोजल है वहां पे वो ग्राउंड बन जाएगी, अपने टाइम के ऊपर वो इस्तेमाल करेंगे, वरना वहां पे ग्राउंड्स हैं वो ग्राउंड जो है बनाई जा सकती है, उसमें कन्वर्ट की जा सकती है क्रिकेट स्टेडियम है। आपके साथ MOU वगैरह करके JKCA के साथ वो हमें फिर JKCA के तरफ से रिक्वेस्ट आनी चाहिए। सर JKCA ना, नहीं आपकी JKCA है ही नहीं इस वक्त। हाँ नहीं नहीं, वर्किंग कमेटी इज देयर, जो भी इस वक्त जो हमें आना है नहीं है, ठीक है, जो कमेटी है उसने एडमिनिस्ट्रेट करना है, BCCI की तरफ से आनी चाहिए। आप बात कर लें, मिथुन से बात कर लें। नहीं नहीं सर, मैंने अनुराग ठाकुर जी से टाइम लिया है। अनुराग ठाकुर जी वो है ना स्पोर्ट्स, वो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के ऑनरेबल मिनिस्टर है, उनका भाई है ट्रेजरर सर। देखिए वहाँ खासतौर पर कस्बा जो है, सिटी जो है, उसमें ग्राउंड्स की बहुत कमी है ही नहीं है, बस वही एक ग्राउंड थी। और अगर आप देखें गिर्द गिर्द में कहीं पे भी एक छोड़कर दो तीन ग्राउंड अगर आप देख लें, जहां जहां पे भी आपके 10-20-50 कनाल अवेलेबल है, मेरी इंटेंशन होगी कि मैं आपको एक स्टेट ऑफ द आर्ट बनवा के दूँ स्टेडियम यहाँ पे। अब मजाक वाली बात है, और आपने कहा कि जम्मू वाले श्रीनगर वाले, आपका पहाड़ी भी एक बीच में बैठा हुआ है उसमें मिथुन मनाज भद्रवा से है। नहीं सर, मिल वालों की बात सुन, ऐसा है कि मिल तो चलनी चाहिए, बड़ी जरूरी बात है, ग्राहक भी चलना चाहिए, उस ग्राहक के ऊपर फैमिली एक दो तीन फैमिली स्टेबल डिपेंडेंट होती है। तो हमारा जो है वो है कि सबको मिलता रहे बराबर बराबर, सारे पूरे का पूरा ना कमा लें, वो बेचारा भी थोड़ा अपनी रोगी रोगी। हजारों ग्राहक जो थे पहाड़ी इलाकों के वो बंद हो गए थे, और उन लोगों का जो ये था रोजगार का जो भी तरीका था वो बेचारे अब मजदूरी पे आगे होते, और कुछ उनको आता नहीं। एक वजह ये थी। दूसरी वजह ये थी कि आप आटा चाहे एक क्लास का भेजें चाहे पैसा भी भेजें, जिस वक्त पहाड़ी इलाकों में गाड़ी से उतर कर वो पैदल उनका सफर स्टार्ट होता है, चाहे घोड़े के ऊपर है, खच्चर के ऊपर है, किसी तरीके से है, एक बारी सारे को तबाह कर देते थे। तो उसके ऊपर तो किसी का कंट्रोल नहीं है ना, वो बारिश आई वो खत्म हो गया उनका आटा वाटा, और उन बेचारों को कई मरतबा वो आटा डंगरों को खिलाना पड़ता था, खुद आगे पीछे से कुछ गुजारा करते थे। So, दो ये मकसद थे कि हम पहाड़ी इलाकों में घराट को फिर दोबारा स्टार्ट करें, और वो बेचारे अपनी रोजी रोटी वहां से कमाते रहें, एक बात। दूसरी बात कि आप बुरा नहीं मनाइएगा, जो आपका आटा होता है उसमें से खाने पीने का जो असली चीज होती है वो आपने जोड़ के निकाल ली होती है, वो फिर हम आपसे खरीदते रहते हैं या हम आपको उससे उसकी पेमेंट मांगते हैं। नहीं निकालते हैं, अपने आप निकलता है ना, अपने आप निकलता है। हम आपसे किस चीज का पैसा मांगते हैं वापस? आपको जिस वक्त हम ग्राइंडिंग चार्जेस देते हैं तो वापस हम क्या मांगते हैं सर? हम चाहे उसी का तो झगड़ा चल रहा है हमारा आपका, कि 45 रुपए लेना है या 50 रुपए लेना है या 35 रुपए लेना है, ठीक है, करोड़ों रुपया अभी भी स्टक अप है ना बीच में। तो हमारा ये था कि गांव में बच्चों को ऑलरेडी जो डाइट मिलती है वो कमजोर मिलती है उनको शहर के बच्चों की तरह, तो कम से कम भीड़ जिस वक्त जाएगी
क्योंकि एफसीआई की वीट मास्टर है या नहीं है, एफसीआई की वीट कंट्री की सबसे बेस्ट वीट हो जाए, और वो जब उनको मिलती है तो उनको जो पोषण मिलता है वो पूरे तरह, वो जो कम से कम जो आटा मिलता है वो उनको पूरी तरह से, उसमें जितने भी वाइटामिन जितने मिनरल्स वगैरह वगैरह वो सारे पूरे हो। सो इट वॉज अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन बिटवीन टू, कि एक तो उनका रोजगार चलता रहे दूसरा। अब मैं मिल वालों को कोई काट नहीं रहा, अब मिल वालों का ये हुआ है कि जहां चार मिल्स थी आज 40 मिल्स चल रही है और सबके साथ कोटा मांग रहे हैं। और सही बात है कि मेन उनका जो भाग होता है इसका प्राइवेट में बड़ा काम आता है, आशीर्वाद कितना बना लेगा, दूसरा कितना बना लेगा, तीसरा कितना बना लेगा, मेन हमें नहीं देना है। और ठीक है, आप लोगों का भी रोजी रोटी चलनी चाहिए क्योंकि आप लोगों में एक अच्छा खासा नंबर इम्प्लॉय भी करते हैं। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, जो कंज्यूमर है, जिसने खाना है, जिसने अल्टीमेटली मेरा सरकार का पूरे हिंदुस्तान की जो सरकार है उसका सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है वो कंज्यूमर है। उसको ठीक चीज मिले, उसको ठीक चीज पहुंचाने के लिए, हेल्दी चीज पहुंचाने के लिए हम और आप सारों ने मिलकर ही काम करना। उसमें हो सकता है किसी का तो मुनाफा कम हो जाए, बट देन दैट पार्टी शुड हैव टू बियर विद दैट। सब्जी मंडी के बारे में जो आपने बात की, आप अगर कोई जगह देखेंगे तो मैं नई वो सब्जी मंडी बनवा दूंगा।